जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रिंस वेलकम करता हूं आप सभी का स्टडी फॉर जीनियस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वही लाइन कि लाइक गया भाड़ में, सब्सक्राइब गया तेल लेने। आज की इस वीडियो को डायरेक्टली शुरू करते हैं, क्योंकि भाई इतना टाइम आपके पास भी नहीं है, मैं बकवास करूं वीडियो में। क्योंकि अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद ही लाइक कर देंगे, खुद ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। दोस्तों, टॉपिक क्या था वीडियो का? टॉपिक यही है कि कैसे दोस्तों हम एसएससी जीडी के एग्जाम को केवल तीन महीनों के अंदर दोस्तों एग्जाम को हम क्वालिफाई कर सकते हैं, वो भी कैसे, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कैसे दोस्तों सलग से लेना है। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊं, अगर आप नए बच्चे हैं, बिगनर हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, तो आप सभी को पहले सिलेबस को समझना है कि सिलेबस में क्या क्या आता है। सिलेबस आप सभी को अच्छी तरह पता होगा कि दोस्तों 25-25 क्वेश्चन के चारों दोस्तों सब्जेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मैंने 25-25 यहां लिख दिया, 25 का मैथ आता है, 25 की दोस्तों रीजनिंग, 25 की दोस्तों हिंदी, और 25 की दोस्तों आपकी आती है जीके जीएस। ये आप सभी को बखूबी इसके सिलेबस पता होंगे। और 100 नंबर का एग्जाम होता है ये, और दोस्तों जिसमें आपको 90 मिनट मिलते हैं, यानी 1.5 घंटे का टाइम मिलता है। कैसे दोस्तों एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, सारी जानकारी आप सभी को देंगे। सिलेबस आप सभी के सामने है, यही है, ये सिलेबस है, ठीक है भाई, ये सिलेबस आप सभी के सामने आ चुका है। अब मैं बताऊंगा दोस्तों कि कैसे आप इसे केवल 3 महीनों के अंदर खत्म कर सकते हैं सिलेबस को। पहले बात करूंगा दोस्तों कि मैंने कैसे तैयारी की, उसके बाद बुक्स भी बताऊंगा कौन सी बुक्स पढ़नी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं कि यहां पर एक पीडीएफ मैं आप सभी को देता हूं, जब भी, क्योंकि मैंने उस खुद पीडीएफ से तैयारी की और एसएससी जीडी में सिलेक्शन लिया है। देखिए दोस्तों, ये नंबर है 6396 45 35 92। ये नंबर मैं क्यों दे रहा हूं, ध्यान दीजिए आप सभी को, इस नंबर को सबसे पहले नोट कीजिए अपने किसी भी डायरी में, किसी भी दोस्तों नोटबुक में, सबसे पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नंबर है दोस्तों हमारे व्हाट्सएप का नंबर, ठीक है भाई, ये व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर आपको हम देते हैं पीडीएफ। अब पीडीएफ कैसे मिलता है वो ध्यान दीजिए, पीडीएफ आपको केवल दोस्तों 100 रुपए में मिलता है भाई, केवल 100 रुपए में। अब इसमें पीडीएफ में क्या खास है जो हम आपका पीडीएफ लें भाई, ये क्वेश्चन भी आप सभी के मन में आना चाहिए कि आप ही का पीडीएफ क्यों लें। तो पीडीएफ इसलिए लिए क्योंकि भाई मैं खुद आप सभी के सामने साक्षात पेश हूं, जिससे इसका सिलेक्शन हुआ, इस पीडीएफ से एसएससी जीडी का मेरा इस पीडीएफ से सिलेक्शन हुआ है। कुछ किताबों का रोल है और ज्यादा इस पीडीएफ का रोल है, अगर 40% किताबों का है तो 60% इस पीडीएफ का भी है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये सारे सब्जेक्ट आपको मिलते हैं, चाहे मैथ है, चाहे रीजनिंग है, चाहे हिंदी है, चाहे जीके जीएस, इस पीडीएफ में केवल 100 रुपए में। नंबर आपकी फोन की स्क्रीन पर शो कर रहा है, आप इस पर हमें अभी मैसेज कर सकते हैं। तो ये तो है भाई पीडीएफ की बात। अब आपको करना क्या है, अब आपको दोस्तों अगर तैयारी आप बेसिक से करना चाहते हैं एडवांस लेवल तक, अगर आपका टारगेट यहां पर है कि 80 प्लस स्कोर करना, तो आप सभी को पीडीएफ तो जरूर लेना चाहिए, क्योंकि पीडीएफ में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ दिया है, ठीक है, तो आप ले सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों बुक्स के बारे में कि कौन सी बेस्ट बुक रहती है। देखिए मैं आपको पहले बता दूं, मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मुझे जो बुक अच्छी लगी है मैं उसी बुक को आपको बता रहा हूं। पीडीएफ तो आप ले सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ में आप सभी को इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, बुक में आपको सारे क्वेश्चन मिलते हैं, क्योंकि बुक में आपको सारी चीज पढ़नी पड़ेगी, लेकिन इसमें वो चीज पढ़नी पड़ेगी जो एग्जाम में आए। अब मैं बात करूंगा सबसे पहले बुक्स के बारे में, मेरे पास जो पहली बुक है वो है मैथ की बुक। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं मोबाइल में, और ये बुक आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। देखिए दोस्तों, ये बुक है भाई हमारी, यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रही है तो ये एचडी यादव की बुक है भाई, एचडी यादव मैथ की बुक है, बेसिक टू एडवांस लेवल की बुक है। आराम से आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं, लिंक आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको खुद ये बुक खरीदनी पड़ेगी। और ये बुक दोस्तों काफी बेस्ट बुक रहती है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर देता हूँ मैं, ठीक है, अब दिखा देगी, ये देखिए ये बुक है भाई आपकी मैथ की बुक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और दोस्तों इसका प्राइस जो रहता है 450 रुपये रहता है, और इसका 20% लेस करेंगे तो 360 के समथिंग की बुक आप सभी को मिल जाएगी, 90 रुपये और कम कर लीजिएगा। दूसरे नंबर पर आ रही दोस्तों हमारी यहाँ पर हिंदी की बुक, हिंदी की बुक ये वाली बुक है। बहुत से लोग बोलते हैं कि लूसेंट ठीक है, लेकिन ये मुझे क्यों अच्छी लगी, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यही है कि इसमें दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं कि यूपीएसआई के अलग, एसएससी लेवल के अलग, UP SSC के अलग, यानी सब कुछ आपको अलग अलग दिया हुआ है, बस आपको वही चीज पढ़नी है जो आपका इसमें दिया है। तो ये चीज मुझे इसलिए बेस्ट लगी ये बुक वाली। ये बुक है दोस्तों आपकी आदित्य पब्लिकेशन की, प्राइस इसका 225 रुपये है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, काफी अच्छी बुक है, किसी भी बुक सेंटर पर, आपको बुक स्टोर पर, बुक की जो भी दुकान होगी वहां पर मिल जाती है, वो काफी अच्छी बुक रहती है। दो बुक मैंने आप सभी को बता दी है। अब बारी आती है दोस्तों जीके जीएस और रीजनिंग की बुक की।
सबसे पहले बात करेंगे रीजनिंग की कौन सी बुक लें। तो रीजनिंग के लिए दोस्तों ये बुक है, ये है आपकी करण पब्लिकेशन की बुक है और सामान्य ज्ञान की। इसमें आपको दोस्तों थ्योरी का सेक्शन मिल जाता है, इसमें आपको एमसीक्यू नहीं मिलेंगे, ये थ्योरी की बुक है और ये काफ़ी अच्छी बुक रहती है अगर आप जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, जीके जीएस की तैयारी के लिए ये बेस्ट बुक है। अब इसका प्राइस क्या है, इसका प्राइस दोस्तों, इसका प्राइस भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। इसका प्राइस रहता है भाई, इसका प्राइस जो है भाई वो है 239 रुपये, 20% लेस आप सभी को इसमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये 200 रुपये के समथिंग आप सभी को मिल जाएगी। और ये आपकी है एक आर के झा की रीजनिंग की बुक, इसको आप देख सकते हैं। ये आपके पास कुछ बुक इसमें से ऐसी हैं जो आपके पास होंगी भी, ठीक है, जो नहीं है उनके लिए ले सकता है, जो बिगनर है, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ भाई बुक में। और इसका जो प्राइस रहता है भाई इसकी बुक का, वो 165 रुपये है इस बुक का प्राइस। ये रीजनिंग की बुक है, इसका प्राइस जो है 165 रुपये, ईजिली मार्केट में अवेलेबल है, कहीं से भी आप परचेज कर सकते हैं। तो ये दोस्तों चार बुक थी और चारों सब्जेक्ट की मैंने आप सभी को बुक बता दी है, चाहे मैं रीजनिंग की बात करूँ, चाहे मैथ की, चाहे हिंदी की, चाहे जीके जीएस की, सभी की बुक मैंने आपको बता दी है कौन सी बुक है। बुक्स में आपको सारे क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप इसका शॉर्टकट देखना चाहते हैं, शॉर्टकट क्या है, तो शॉर्टकट यही पीडीएफ है जिससे खुद मैंने तैयारी की है। ठीक है भाई, आप आराम से, आपको तैयारी, आपको सिलेक्शन लेना है या विद्वान बनना है, विद्वान बनने के लिए आपको पीडीएफ चाहिए। अगर आपको जल्दी सिलेक्शन लेना है तो ये पीडीएफ चाहिए। बुक्स अगर आप चाहिए कि विद्वान मुझे बनना है, मुझे तो विद्वान ही बन के रहना है, मुझे सिलेक्शन नहीं लेना है, तो आप बुक्स ले सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि हाँ कम टाइम में बेहतर तैयारी हो जाए, तो पीडीएफ आप सभी के लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहता है। ठीक है, खुद पीडीएफ से मैंने तैयारी की है, इसलिए मैं आप सभी को पीडीएफ रिकमेंड करूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो पीडीएफ और बुक्स दोनों से आप पढ़ सकते हैं। और आपको लगता है कि भाई मुझे एग्जाम पास करना है अच्छे नंबरों से, तो पीडीएफ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैं आप सभी को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि खुद मैंने दोस्तों इस चीज़ को देखा है कि बुक्स में से दोस्तों बच्चे पढ़ते तो हैं, लेकिन इजी लैंग्वेज नहीं है बुक में एक इजी लैंग्वेज नहीं है। अगर बुक अच्छी से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अगर आपको सही लैंग्वेज आती है सब चीज़। अगर बुक अच्छी होती तो भाई सभी का सिलेक्शन हो जाता, बुक कोई ख़राब नहीं होती है, बस आपको पढ़ना का तरीका क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए कि आप किस तरीके से बुक को पढ़ पा रहे हैं। क्योंकि भाई देखिए, अगर सभी बुक से सिलेक्शन ले लेते तो टीचर की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए दोस्तों बुक को आसान बनाने के लिए टीचर की जरूरत पड़ती है। क्योंकि किताबी भाषा, जो किताबी ज्ञान होता है, वो सबको समझ में नहीं आता है, किताब की लैंग्वेज सबको समझ में नहीं आती है, इसलिए दोस्तों बुक को अच्छी तरह समझने के लिए हम टीचर का सहायता लेते हैं। तो ये पीडीएफ वही काम करेगी आपका, ये एक आपको बुक को अच्छी तरह समझने के लिए काम करेगी, यानी बुक का सारा इंपॉर्टेंट चीज़ इस पीडीएफ में मिल जाता है आपको, जो कि जो चीज़ छोड़नी है वो बुक में रह जाएंगी, जो चीज़ पढ़नी है वो पीडीएफ में, तो आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी पता चल सके। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद और वंदे मातरम।